देखो कई माताएं मुझसे भी मिलती हैं, बातचीत करती, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते, धन बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, धन नहीं टिकता, धन बचता नहीं, लक्ष्मी टिकती नहीं घर में। क्या कोई अगर उपाय हो तो बताइए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, लक्ष्मी वहीं रहती है जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, लक्ष्मी वहीं रहती है जो भगवान का आराधना करता है, जो दूसरों का सेवा करता है। किसी किसी का आदत होता है चाहे कितना भी मिल जाए हमेशा निराश होकर के रहते, एक कोने में बैठे बैठे चिंता करते हैं। निराशावादी व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी नहीं टिकती, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहा करिए। और जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सो जाता है, सूर्यास्त के समय सो जाता है, दिन में सो जाता है, दिन में स्त्री संग करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं। और जो व्यक्ति निरंतर व्यर्थ की बातें में चर्चा करता, व्यर्थ की बातें करता है, परिहास करता है, दूसरों का निंदा करता है, ऐसे घर में भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। और फिर कहते हैं दिन में केत की छाया और रात्रि में दही और उसके बाद में कपास की लकड़ी का दातुन और सप्तमी के दिन में आंवला, ये विष्णु की भी लक्ष्मी का हरण करने वाली है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।